पूर्व विधायक झाबुआ श्री माननीय जेवर मेणा साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय हेमचंद डामर साहब, युवा बीजेपी मोर्चा भाई हमारे बीच में जिनका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा हमेशा, भानु भूरिया जी हमारे बीच में, डॉक्टर मजाल साहब खरगोन से, राष्ट्रीय एकता महापरिषद राष्ट्रीय एकता परिषद के आदरणीय अशोक भाई चौधरी साहब जो महासचिव है, जिनका हमेशा हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है, पूर्व महामंत्री बीजेपी अजय मोर्चा श्री कल्याण डामर साहब, माननीय सतीश पेंदान साहब हमारे बीच में बसते हैं, सादर आमंत्रित हैं आप भी, श्री राम सिंह भील अध्यक्ष राधवगढ़ जनपद अध्यक्ष हमारे बीच में है, कृपया आप भी सादर आमंत्रित हैं, श्री हमारे बीच में एक बार और जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका, राजस्थान से पधारे हैं राजकुमार रोज साहब, गुजरात से पधारे हमारे महेश भाई वसाव साहब, गुजरात से पधारे हमारे भाई बीच में महेश भाई वसाव साहब विधायक, साथ में राजस्थान से पधारे हमारे माननीय और सम्मानीय आदरणीय राम प्रसाद डिंडोर साहब विधायक, हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता रूप में भंवर भाई परमार साहब, आप सभी तथा मंच पर आकर सादर आपकी जो उपस्थिति सादर आदरणीय है, और हमारे बीच में आदरणीय राजेंद्र मंडोई साहब, कृपया आप ही मंच पर बताने कष्ट करें, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई और हमेशा समाज के लिए तत्पर रहने वाले रामू टेकाम साहब, आप भी सादर आमंत्रित हैं, हमारे जो आदिवासियों को नेतृत्व करने वाले हमारे मंच पर है, चाहे वो कहीं भी रहे लेकिन समाज सर्वोपरि है, समाज में सबसे पहले उनको आना पड़ता है और समाज के बाद में जो आप गतिविधियां करते हैं वो सेकेंडरी चीज होती है, लेकिन सर्वप्रथम आपके बीच में हमारे जो नेतृत्व करता है उनका एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। इस 28वें आदिवासी अधिवेशन महासम्मेलन में आप सभी हमारे जाबाज भाई बहने हमारा नेतृत्व करने वाले राजनीतिक साथी लोग, सम्मानी लोग और हमारे अध्यक्ष मंडली मंडल के जो सदस्य हैं, उनका एक बार पुनः इस जाबा की धरती पे बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन स्वागत। राजस्थान से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और हमारे उत्तराखंड से, झारखंड से और हमारे देश के अन्य राज्यों से पधारे, एक बार उनका भी मैं सभी साथियों का, हमारी बहनों का, माताओं का तहे दिल से झाबुआ में आयोजक समिति की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जय आदिवासी। एक इस देश में जितने भी आदिवासी समाज के संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उनको हम लोग एक सूत्र में बांधने के लिए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए आदिवासी समन्वय मंच भारत की कल्पना की है। 2015 से हम लोग इसको लेकर प्रयासरत है और काफी हद तक हम इस दिशा में आगे भी बढ़े हैं। तो आदिवासी समन्वय मंच भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सम्मानी नौजवान साथी नत्थाराम भील जी को भी मैं तालियों के गड़गड़ाहट से इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में माफी चाहूंगा, एक नाम छूट गया था जो समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमारे युवा साथी और जाबाज साथी माननीय डॉक्टर विक्रांत साहब, विक्रांत भूरिया जी ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनको एक बार मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ और आप कृपया मंच पे पधारने कष्ट करें। राजस्थान के विधायक माननीय राजकुमार रोज साहब, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि कृपया आप भी मंच पर पधारे। साथ में विधायक राजस्थान से राम प्रसाद डिंडोर साहब, कृपया आप भी सादर आमंत्रित है। महेश भाई वसाव साहब विधायक गुजरात, कृपया उनको भी सादर आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच में जनप्रतिनिधि के रूप में सम्मानी झाबुआ के निवासी और हमेशा तत्पर रहने वाले भाई रूप सिंह डामर साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। विधायक जी कांति भाई रोत,
हमारे गुजरात के हर कार्यक्रम में साथ देने वाले और आदिवासी एकता परिषद के हर मूवमेंट में साथ में रहने वाले माननीय सम्माननीय अनिल जी भगत जी को भी मैं ससम्मान तालियों की गड़गड़ाहट से मंच पर आमंत्रित करता हूं।